हे एवरीवन, तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारे ब्रेड रोल की। भी जानने के लिए हमारा वीडियो प्लीज़ देखें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुद्र पूजा टॉक्स। तो आज के ब्लॉग में कुछ नया है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम कुछ नया डिश बनाने वाले हैं, कुछ स्पेशल टेस्टी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो इसके लिए हम पहले लेंगे ब्रेड, और फिर मैंने आलू को उबाल लिया है। आलू को उबाल के इसको मिक्स करके इसमें नमक मिक्स किया हुआ है मैंने, और लेंगे हम प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में, देख सकते हैं आप। हम आलू को मिक्स फ्राई करेंगे, बिकॉज़ मेरे यहाँ सबको फ्राई आलू ही पसंद है। जैसे कि मैं बना सकते, बट मेरे यहाँ सबको फ्राइड आलू पसंद है ज़्यादा। तो इसमें हम मसाले, मसाले लिए मैंने ये लहसुन, एक लहसुन, मिर्ची, मिर्ची पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने ये यूज़ किया है। और मैंने लिया है हल्दी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, डालेंगे प्याज। जो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो ये प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाला। बस बस ये होने वाली है हल्के वह देख सकते हैं आप, दिखाइए इधर। तो ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। और मैं बता दूं आपको कि ऐसा मत समझिएगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, बिकॉज मैंने ये आलू जब उबाल के मैं मिक्स कर रही थी तभी मैंने आलू में नमक मिक्स कर दिया है। तो फिर ये हम मसाले में मिक्स करेंगे। हमारा आलू मिक्स हो चुका है, तो जैसा कि आप देख रहे हो खाना बना रही हूँ मैं, डिशेज बना रही हूँ मैं, पर हालत इनकी खराब है क्योंकि तो आप देख सकते हैं, नहीं, आप देख सकते हैं कि कितना गर्मी लग रहा है, और उस पे से उस मसाले का झांस आप इतना निकल रहा है, झांस आ रहा है उसमें से, वैसे मेरा ये हाल हो रखा है। तो आप देख रहे हो खाने में कैमरामैन का भी हालत खराब होता है, समझना चाहिए, कैमरामैन का भी हालत खराब, जैसे कि आप देख सकते हो कि बना रही हूँ। तो हमारा आलू फ्राई हो चुका है, इसे मैंने निकाल लिया। इस पे बादाम भी ऐड कर सकते हैं, इसको फ्राई करना होगा, हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आपको बादाम ऐड नहीं करना है तो आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हो। अब हम लेंगे एक प्लेट में पानी और एक प्लेट में सूजी, और ये ब्रेड के चारों तरफ जो ये रेड रेड से ब्राउन ब्राउन से होते हैं इसको हम अलग कर देंगे। इसके चारों तरफ जो कवर्ड है ये हम हटा देंगे, इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेड अच्छे से रोल हो पाते हैं। ब्रेड को हम पानी में डुबाएंगे, बस हल्का सा डुबाना है और निकाल देना है, नहीं तो ज़्यादा डालने के बाद ये गल जाएगा और उसी में रह जाएगा। बस हल्का सा डालना है और निकाल लेना है, तोड़ना है ऐसे, अच्छे से निचोड़ना है पानी को। ये हमारे ब्रेड में से पानी अलग हो चुका है, अब हम इसमें इसके बीच में जो हमने मसाले तैयार किए हैं उसको भरेंगे, और बादाम, तो
फिर हम इसको अच्छे से रोल करेंगे और हल्का हल्का रोल करें ताकि ये टूटे ना। तो इसको हम कोटेड करेंगे सूजी से। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं ये इन्होंने बनाया है। सबको पता है कि तू रिफाइन डालने वाली, पानी में थोड़ी छान देगी। अरे रिफाइन डालने वाले बिकॉज बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल का भी यूज करते हैं, बट इसमें किरासन तेल, मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल। अच्छा, बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल का भी यूज करते हैं। चल चल, बट हम रिफाइन का यूज करेंगे बिकॉज रिफाइन में अच्छा लगता है इसका टेस्ट। हम बनाएंगे इसको तो पता है किस मिट्टी तेल में बनाएंगे, और इसमें फायर भी कर दीजिएगा। में डालेंगे हमारे बनाए हुए पकौड़े, नहीं हमारे बनाए हुए ब्रेड रोल, नहीं हमारे बनाए हुए ब्रेड रोल विद सूजी कोटिंग। क्या 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 फ्राई कर सकते हैं जब तक जल ना जाए। अब जल जाए तो काफी अच्छा लगता है, ब्लैक ब्लैक जब हो जाए तो अभी तो उतार लीजिएगा। हमने सूजी से कोटिंग किया है तो अगर स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो हमारा सूजी फैल जाएगा, तो हाई पे रखेंगे तो ये सटर रहेगा। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि बच्चे को शूट करते करते बहुत पसीना आ चुका है, मुझे पसीना भी आ गया और मेरी मुझे मुंह में पानी भी आ गया है। देख सकते हो मुझे पानी आ रहा है खाने के लिए, इसको बहुत ही टेस्टी टेस्टी है। तो बच्चे के मुँह में पानी आ रहा है और फेस पे भी पानी आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप देख सकते हो हल्का डार्क ब्राउन हो गया है, तो ऐसे हमें निकालना है। तो ये यमी सा और प्यारा सा टेस्टी सा ब्रेड रोल तैयार हो चुका है, जो मेरी प्यारी वाइफ पूजा ने बनाया है और इसकी रेसिपी भी बनाई है। अपना वाला खाया, अपना वाला बनाया है आपने, कैसा देखा है आपने, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, और कैसे ऐसे बनाया, कैसा लग रहा है। तो मेरे लिए यम्मी टेस्टी, मेरे लिए भी छोड़ दो आप थोड़ा सा। हाँ, तो मैं कहीं वीडियो बनाने में ना रह जाऊँ और मेरा ब्रेड रोल ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से जाके खा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी ट्राई करें और